इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो माताओं ने श्रृंगार किया, सरकार चारों भाइयों का सहज। यहां भी एक पद है, पद है तो है, लीला पद बहुत है। पालने में झुला दिया, माने पढ़ा दिया, ये भी प्रातस्मरणीय पूज्यपाद बाबा रामचंद्र जी महाराज सतगुरुदेव भगवान का पावन गीत है। आहा, उसी भाव में सुनिए फिर गाइए। आज लल्ला झूली थे, आज लल्ला झूली रहे, जिन कौ ना झूली रहे, जिन कौ ना झूली रहे, पड़े पड़े पालना, पड़े पड़े पालना, छटा को निहार जरा होश को संभार, छटा को निहार जरा होश को संभार, श्री राघव लल्ला झूल रहे। मगर मगर कांति होत पाल रूप नाथ की, जगर मगर कांति होत पाल रूप नाथ की, लहर लहर लहरे हल के प्रिय माथ, लहर लहर लहरे हल के माथ, लल्ला टुकुर मुकुर हिरन को, मुकुर 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 हिरन को, पूछो कछु हाल ना, छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना, आज लला झूल रहे। पीरी पीरी झगुली थे श्वेत श्वेत पहुँचिया, पीरी पीरी झगुली थे श्वेत श्वेत पहुँचिया, तिलक बाह लगे नील मणि कोचिया, तिलक बाह प्यारे लगे नील मणि कोचिया, नजर डाला कोई नजर ना लगाना, ए नजर ना लगाना कोई, नजर ना लगाना कोई, संभल नजर डालना, संभल नजर डालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना, आज लल्ला झूल रहे। किलकारी देत भी हंस कैसे के बखानिए, किलकारी देत भी हंस कैसे के बखानिए, बताना कभी संग चित्त बेच जानिए, बताना कभी संग चित्त बेच जानिए, हे मोहिनी सिडारी रहो, मोहिनी सिडारी रहो, मोहिनी सिडारी रहो, मोहिनी सिडारी रहो, राजा जो लालना, राजा जो लालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना, आज लल्ला जो मौज बड़ी देखे बार बार है, एक बार करोड़ बार देखे बार बार है, भूल गए रास रंग हो गए बलिहार है, भूल गए रास रंग हो गए बलिहार, अब तो बनो रहे यही ध्यान, बनो रहे यही ध्यान, रहे और ख्याल ना, रहे और ख्याल
को निहार जरा होश को संभालना, छठा को निहार जरा होश को संभालना। आज लल्ला झूले रहे जी चिन्ह कौना झूल रहे, पड़े पड़े भागना पड़े पड़े भागना, जटा को निहार जरा होश को संभाल, जटा को निहार जरा होश को संभाल, जरा होश को संभाल, होश को संभाल। माँ कबहू मुछंग कबहू बर पलना, माँ तो दुला रही कही प्रिय, आनंद प्रदान कर रहे एह विधि राम। जगत पितु माता कौशलपुर बासिन सुखदा, जिन रघुनाथ चरण रति माँ, तिन की यह गति जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के सिर चरणों में प्रीति रखी अथवा जिनकी प्रीति दृढ़ है उनकी मति की ऐसी गति है। देखिए भगवान की शिशु बाल लीलाओं में सबको रस नहीं आता। एक बार मैं बाल लीला की कथा गा रहा था और कोई भाई सो गए, सो गए क्यों, सबको रस नहीं आता। अरे छोड़िए, कई लोगों को बच्चों के साथ बैठने में रस नहीं आता, बच्चों को देखकर उलझन में रहते हैं लोग। अरे वाह, बचपन से सीखने का है क्या, निर्भयता अपरिग्रह निश्चिंतता। बच्चे 5 साल तक बच्चे अपनी चिंता नहीं करते हैं, माँ बाप घर वाले उनकी चिंता करते हैं। 1 साल का बच्चा और चिंता नहीं, भगत को कैसे रहना तो बच्चों जैसे रहना, हमें चिंता नहीं अपनी उन्हें चिंता हमारी है, हमारी देह के रक्षक सुदर्शन चक्र ले ओ, क्यों चिंता करना। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मीनिया घटे कह गए बाबा, क्यों रोना। चिंता करने नहीं, काहे की चिंता। यहां भी एक पद है हमारा बड़ा प्यारा है, ब्रजेश जी ने लिखा है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। कल सुनाएंगे इस, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, बस धरती पर ऐसा कोई जीव नहीं है कि भूख लगे तो भगवान उसको भोजन न दे। भोजन किसको नहीं मिलता है तो काहिल को। आदमी अपने शरीर का 4-8 घंटा कुछ भी उपयोग करेगा तो भगवान उसको भोजन देते हैं और चुपड़ी शुद्ध देसी घी लगा के रोटी देते हैं। हम लोग जब कथा शुरू किए तो कोई पूछता नहीं था, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। अब कथा करते 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 लोग चुपड़ी देते हैं, घी लगा के भोजन कराते हैं, बाद में दूध का बड़की गिलास लेके दौड़ते हैं, बाबा पी ले हो। नहीं हो, और तब चाय का दूध नहीं मिलता था, अब गिलास का दूध लेके दौड़ते हैं लोग। आप और हम
भगवान का नहीं, अपना भी काम करेंगे तो भगवान आपके भोजन की चिंता करेंगे। केवल काहिल आदमी, आलसी आदमी, राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार, उसी को कष्ट होता है भैया। धरती पर किसी को कष्ट नहीं है। अरे घर में भी जो काम करता है वो घरवा वाले उसकी भी व्यवस्था है। ढाक इधर खेते के बड़ाई है तो खाई है। अब कहिलवा घर ही में रहते हैं, सब कोई पूछतो नहीं, अरे खेले हो इधर चला, कोई पूछता नहीं। आपने सुना होगा एक कथा है, इस पर भी एक कथा है, चिंता क्यों करना। दो दोस्त मित्र बरगद के नीचे, पाकड़ पेड़ के नीचे सो रहे थे। तो इतने वो दोनों में काहिलियत की बाजी लग गई कि तुम काहिल कि हम काहिल। तो एक के सीने पर गोदा गिरा। पाकर का गोदा बड़ा मीठा होता है। गोदा गिरा तो वो कहता है, ए दोस्त, एक गोदवा हमारे मुंहों में डाल दो। तो उस बगल वाले ने कहा कि देखो, हमारा मुंह नमकीन नमकीन हुआ है, कौन था, हमने उसको तो हांका ही नहीं, तो हम तुम्हार गोदा का डालें, तुम ही अपने मुंह में डाल लो। अब हम कथा कहे घर तक समझ में आएगी कथा। ये तो काहिल था, इससे बड़ा काहिल वो था बगलिया वाला। इस धरती पर केवल उसी को कष्ट होता है जो काहिल है, जो कर्मठ है, भगवान उसको भोजन लेके दौड़ते रहते। 8 घंटा जो भगत भगवान का नाम सुमरण करते हैं, हो भगवान वहां भी भोजन लेके खड़े हो जाते, भगत जी पा लीजिए, भोग लगा लीजिए। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। शेष कल गाऊंगा। है ना, वना मिलता है ना, आनंद हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। माय बाप, भगवान की सेवा न, हम अपनी भी सेवा करेंगे तब भी भगवान बड़ी कृपा करते हैं, तो स्वभाव है। हमारे श्री अवध में कई ऐसे साधक आए जो श्री किशोरी जी से राखी बंधवाने आए, और मेरी मैया ने सिंगार हाट में उनको सोते देख जाकर के राखी बांध दिया। ये वो भूमि है, यहाँ क्या चिंता करना हो। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, ये जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिलक यह गति प्रगट भवा। और जो भगवान से विमुख है उसी को कष्ट है, उसी को दुख है। उत्साह में रहिए, सदैव आनंद में रहिए, उत्साह से लबरेज रहिए। यह काम कैसे होगा, भगत का स्वभाव नहीं है, जो कोई नहीं करेगा वो भगत जी करेंगे। ईटा उठा के कोना में लाद देंगे, माटी उठा के कोना में पाटी देंगे, असंभव है क्या। श्री रामार्चन मंदिरम बन करके सरकार स्वरूप को प्राप्त करेंगे तो हम लोग अयोध्या में केवल एक ही काम करें। कल प्रकाश भैया कह रहे थे कि हम लोग केवल सफाई करेंगे बस। हाँ, एको गली में किचकिच न मिलेगा आपको, जब आइएगा साफ है मिलेगा। यही तो काम है, अपना घर अपने ठाकुर का गांव है, अपनी पूरी है, निर्मल रहेगी हो तो
ये निर्मलता कैसे? भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अच्छा, निर्मल मन रहेगा तो निर्मल घर रहेगा, तब ना निर्मल मन बनेगा। जहां रहिए निर्मल भाव रखिए। स्वच्छता के लिए कहना पड़े तरी राम, नहीं नहीं, हमको स्वच्छ रहना ही चाहिए। हम गंदगी कोई ऊपर से आके करता है क्या? हम ही लोग करते हैं, क्यों करना भाई? निर्मल रहिए, निर्मलता में बहिए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।